जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, यह जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देख रहे होंगे सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थी की नजरें विभाग, तो विभाग के बारे में बात करने वाले हैं। सेवंथ फेज के लिए शिक्षा विभाग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग, शिक्षा मंत्री से भी महत्वपूर्ण यह मंत्री नौकरी पक्की के लिए। तो बात कर रहे हैं वित्त विभाग के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ये वित्त विभाग भी एक अहम है नौकरी के लिए। जैसा कि छठा चरण में आप लोग देखे भी थे, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हुई थी फरवरी में इसी साल, और बजट में प्रावधान बजट में पास हुए थे पहले, उसके बाद छठे चरण की बहाली हुई थी। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की 40,000 से भी अधिक पदों पर बहाली हुई थी। तो इसीलिए एक तरह से कहा जाए तो वित्त विभाग भी महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के लिए, सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के लिए। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से अन्य सभी विषय की बात करें, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग पूरी तरह से विश्वास रखें कि नौकरी पूरी तरह से पक्की ही है। अब आगे बात करें कि आप लोग कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में, तो सोशल साइंस विषय में पद भी सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं, 10,000 से अधिक हैं, और विद्यालय की संख्या तो कम है, 9,360 हैं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, लेकिन इससे अधिक पद स्वीकृत रखे हुए हैं। पहले से भी सोशल साइंस विषय में शिक्षक होंगे, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि दो शिक्षक हों, तो इस कारण से काफ़ी पद स्वीकृत लगभग 10,000 से भी अधिक हैं, 10,479 से भी अधिक पद हैं स्वीकृत हैं, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। विज्ञापन में आप लोग जानते हैं 5,054 पद थे और 5,425 पद बाद में जो नवस्थापित और उत्क्रमित के लिए हुआ था, तो ये सभी हैं। और जो बात करें कंप्यूटर साइंस विषय में, तो 2020 में 1,000 पद स्वीकृत हुए थे, 20 मई 2020 की बात कर रहे हैं। और विज्ञापन जो 2019 की बात करें, तो 2019 में 1673 पद थे, जो कि 2939 पहले के विद्यालय थे इसके लिए थे, और बाद में 1,000 पद हुए थे। लेकिन नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तो 6421 है, तो इस अनुसार से और भी पद आ सकते हैं, तो लगभग 8,085 से भी अधिक पद लगभग आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो आगे बातें आप लोग जान सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय में कितने पदों की मांग करनी चाहिए, तो मांग तो 8,500 से भी अधिक पदों की करनी चाहिए, जिससे सरकार लगभग मान कर चलें कि कुछ विद्यालय को यदि मर्ज करने के बारे में सरकार सोच ले कि बंद करना है, फिर भी बात करें तो ऐसे विद्यालय आप लोग सुने भी हैं, देखे भी होंगे पेपर में, तो इस टाइप की बातें थी कि कुछ जहां पर 1 से 30 जो अब छात्रों की संख्या 30 से कम होंगे वो मर्ज हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे, तो ये सभी जानकारी हैं। तो इस कारण से बहुत ही कम ऐसे विद्यालय की संख्या है, लेकिन मान कर चलें कि कुछ बंद भी होते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कम है, जो प्राइमरी विद्यालय हैं इसकी संख्या अधिक है ऐसे में, तो इस कारण से यदि मान कर चलते हैं फिर भी सरकार चाहे तो 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं, लेकिन मान कर चलते हैं कुछ पद कम भी दिए जाते हैं तो भी 6,000 पद, यदि मांग 8,500 से अधिक करने पर 6,000 पद कम से कम आ सकते हैं, 7,000 पद आ जाए तो और अच्छी खबर होगी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए, 8,000 पद तो सबसे अच्छी खबर होगी। तो यही जानकारी है, तो प्रयास करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि पद अधिक से अधिक पद आए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। अन्य सभी विषय की बात करें तो नौकरी पक्की ही है, काफ़ी पद हैं और साथ में बैकलॉग के भी पद हैं, और बाद में भी जो 2020 में भी अन्य सभी विषय में पद स्वीकृत हुए थे। इसके अलावा विज्ञापन में जो पद दिया गया था आप लोग जानते हैं 2019 के समय की पद हैं, और जो 2939 विद्यालय के लिए उतने पद थे, तो आप लोग को भी आश्चर्य लगेगा। और बाद में जो पद हैं वो नवस्थापित और उत्क्रमित, जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, और तो उस समय में तो कम ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 5,600-5,700 के अनुसार से ही पद आए थे विद्यालयों की संख्या के अनुसार से, लेकिन बाद में आप लोग सुने होंगे देखे होंगे नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 6,421 हो गई है, तो इस अनुसार से और भी पद आ सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, और सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। नई सरकार बनी है और सरकार का
प्रयास है कि रोजगार की बातें भी किए हैं कि रोजगार नौकरी दिया जाएगा अगले एक महीने के अंदर में, तो अभी से ही प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हों, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हों, रिक्तियों को जोड़ने के लिए और भी प्रसिद्धित सूचित करने के लिए तो इस तक के प्रयास करने होंगे। साथ में अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने होंगे कि सातवें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द आ सके और जो सितंबर महीने की बातें जो शिक्षा मंत्री जी किए थे तो सितंबर में ही विज्ञापन जारी हो जाए। सातवें चरण का प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी विज्ञापन जारी हो जाए तो और अच्छी खबर होगी। तो इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों को, और साथ में अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने होंगे कि जितने भी रिक्तियों की संख्या है वो जोड़ने जरूरी है, तो इसके लिए भी प्रयास करने होंगे, तभी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है।